विश्व हिंदू परिषद ओडिशा पूर्व पक्षरु 21 दिनिया दिव्य चेतना रथयात्रार परिसमाप्ति घटिछि। गत मार्च 9 एही रथयात्रा आरंभ होइथिया बेले गत मार्च 26 तारिखरे गंजाम जिल्लारे दिव्य चेतना रथ पहुँचिथिला। ओडिशा प्रांत बजरंगतल सुरक्षा प्रमुख तथा दिव्य चेतना रथयात्रा गंजाम जिल्लार संयोजक इंजिनियर राजीव नेत्र खाड़ंगा स्वागत निमंत्रण प्रदान करिथिले। 29 तारिख मंगलवार ठारे ब्रह्मपुर ठारे एहार परिसमाप्ति घटिछि। गंजाम जिल्लारे लंगळेश्वर ठारु आरंभ होइ 27 ग्रामरे रथ परिभ्रमण करि शेषरे ब्रह्मपुर ठारे शेष होइतिला। ब्रह्मपुर स्थित अभिनंदन कल्याणी मंडप ठारे रथयात्रा संपर्कें एने एक सांबादिक सम्मेलन मध्य अनुष्ठित होइतिला। एही सम्मेलन रे विश्व हिंदू परिषद केन्द्रीय मार्गदर्शक पूज्य स्वामी शंकरानंद गिरी महामंडलेश्वर अखिल भारतीय संत समिति सह संगठक मंत्री स्वामी श्रद्धानंद गिरी स्वामी सत्यानंद गिरी संत स्वामी विष्णुगिरी महाराज और स्वामी निर्वाणानंद गिरी महाराज महामान्य बाबाजी नीलांबर दास महाराज महंत हरिहर दास अंदाजी पांडे अजय दास बजरंग दल ओडिशा प्रांत सुरक्षा प्रमुख तथा गंजाम विभाग संपादक डॉक्टर अरुण प्रसाद पाढ़ी गंजाम जिला दिव्य चेतना रथयात्रार सहसंयोजक तथा गंजाम जिला सेवा सहप्रमुख रामाराव गंजाम जिला विश्व हिंदू परिषद सभापति डॉक्टर भवानी शंकर दास ललित मोहन सेठी एवं शताधिक समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहिथिले। एहि दिव्य चेतना रथयात्रा 7 समुद्र उपकूल जिलार 35 ब्लक 300 ऊर्ध ग्राम रे प्रवेश करी हिंदू समाज मठ मंदिर गोमातार सुरक्षा एवं हिंदू समाज रो जागरण विषय रे मार्गदर्शन करथिले। जैसे कोई भी संत महाराज अगर अपने 10-20 भक्तों लोगों को अगर इस बात का ट्रेनिंग दे दिया, जानकारी दे दिया, अगर इस प्रकार की चीजों को आपने व्यवहार में ला दिया तो मुझे लगता है बहुत चीजों में परिवर्तन आएगा। ये छोटा छोटा काम है, बड़ा काम नहीं है। ये आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। यह काम कौन कर रहा है? यह काम ऋषि को बसत कर रहा है। इसलिए मैंने हमारा बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं, जो हम गाय पकड़ने का काम नहीं करते, तो हम अनेक प्रकार का इस प्रकार का छोटा छोटा काम कर रहे हैं। कोई भी संगीत आदमी आप सकते हैं, आप बताइए, लेकिन आप चार भक्तों को तो लगा सकते हैं। भाई हमारे गांव के अंदर ये आदमी ऐसे घूम रहा है, कहां का है? हमको अपना गांव सुरक्षित रखना है। यह काम हमारा है ना, हम किस पर आरोप लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? अगर हमारे गांव के अंदर फेरी वाला आएगा और कोई हमारे घर का हिंदू उसको शरण देगा तो महीने दो महीने 10 महीने के बाद लड़की लेके भागेगा, तो बात करती है, तो हम ऐसा अवसर क्यों देंगे? एक नंबर बात। मोहल्ले के आसपास गांव के अगर बगल कौन से लोग बस रहे हैं, वो संदिग्ध है कि कौन लोग कहां से आए हैं, अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे तो आने वाले समय के अंदर उनकी संख्या। गंजाम रो सुशांत पटनायक, सकाळ खबर।